हम सब यही चाहते हैं कि हम पिता परमेश्वर की नज़दीकी पाएं। जब से हम पैदा हुए हैं हमें यही समझाया जाता है कि सृष्टि पिता परमेश्वर की रची हुई है और इस सृष्टि में हम सब की यही कोशिश होती है कि जो बनाने वाला है उसके हम दर्शन करें, उसके अंग संग रहें, उसकी जानकारी पाएं। इस दुनिया में तरह तरह के तरीके हम इंसानों ने बनाए हैं जिनके ज़रिए हम सोचते समझते हैं कि हम पिता परमेश्वर को पा सकते हैं। हम शारीरिक रूप में हैं, हम इस दुनिया की चीज़ों की जानकारी इंटेलिजेंस के ज़रिए पाते हैं, तो सोचते हैं शायद उस जरिए ही हम पिता परमेश्वर को पाएंगे। शायद उनके दर्शन बाहर की आँखों से हों, शायद उनको हम सुन सकें बाहर के कानों से, और मन इंद्रियों के घाट जिस पर हम अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं उसी के ज़रिए प्रभु को पाने की कोशिश करते हैं। अलग अलग धर्म, अलग अलग रास्ते हम सबके सामने हैं। अब पिता परमेश्वर जिसने ये सृष्टि रची है, ये बार 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 हमें समझाया जाता है जब हम छोटे होते हैं कि वो कण कण में समाया हुआ है, कि हर एक चीज़ में प्रभु है। और फिर पिता परमेश्वर जिसने जो हमारा असली रूप है, जो आत्मिक रूप है, उसे ये मानव चोला दिया, उस रूप में आकर बहुत सी बार इंसान समझता है कि वो पिता परमेश्वर को ढूंढ रहा है और भूल जाता है कि प्रभु ने हमें बाकी योनियों में से हटाकर इस योनि में भेजा क्योंकि प्रभु हमें ढूंढ रहे हैं। वो चाहते हैं कि हम उनसे मिलें, तभी ये चोला हमें मिला है। वो चाहते हैं कि हम उनकी जानकारी पाएं, तभी उन्होंने हमें जिसे ये हरि मंदिर कहा गया है वो दिया है। कि शरीर, इस शरीर में प्रभु बस रहा है, हम सबके अंदर प्रभु हैं, इसीलिए इसे हरि मंदिर कहा गया है कि ये प्रभु के बसने का धाम है। तो बार 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 जब हम सिर्फ बाहर की आँखों से ही प्रभु को देखने की कोशिश करते हैं, बाहर के कानों से ही उनको सुनने की कोशिश करते हैं, तो हम उनकी तह तक पहुँच नहीं सकते। संत महापुरुष जो अलग अलग धर्मों में आए, अलग अलग समय पर आए, अपने लफ्ज़ों में, चाहे उनके लफ्ज़ अलग अलग हों, लेकिन बयान वो सच्चाई को ही करते रहे। जब उनके लफ्ज़ हम समझने की कोशिश करते हैं, जो वो कह गए हैं उनको सही तरीके से समझते हैं, तो बड़ी जल्दी हमारी समझ में आना चाहिए कि बाहर की आँखों या बाहर के कानों से ना प्रभु को हम देख पाएंगे ना सुन पाएंगे। अगर उन्हें देखना है तो इससे आगे बढ़ना होगा। बाहर की आँखें और बाहर के कान सिर्फ जड़ता या माया की बनी हुई चीज़ों को देखने और सुनने के लिए हैं। उससे आगे हम बढ़ सकते हैं। मन इंद्रियों के घाट पर जिस पर हम जी रहे हैं, इससे आगे भी हम कदम बढ़ा सकते हैं। और ये समझ में आया कि इसके आगे भी कुछ और है,
कि जहां कुछ और जहां के आगे भी हैं उनका अनुभव किया जा सकता है, तो फिर इंसान उन जहानों का अनुभव करने के लिए कुछ कदम बढ़ाएगा। अगर मालूम ही ना हो कि और कोई जहां आगे भी हैं तो उस और इंसान कदम बढ़ाता नहीं। जैसे डिस्कवरी इंसान इस दुनिया में कई चीज़ों की कर रहे हैं, पुराने समय से लोग डिस्कवर कर रहे हैं। कोलंबस ने भी सोचा कि वो हिंदुस्तान पहुंच गया, अब पहुंचा अमेरिका था, तो सर्च करता रहता इंसान कि और आगे क्या है और आगे क्या है। तो बाहर की दुनिया की खोज हम इंसानों ने बहुत की है, लेकिन अंदर की दुनिया भी है, उसकी खोज की जा सकती है। ये बार 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 महापुरुष हमें समझाते हैं। तुलसी साहब जिन्होंने बहुत कुछ रूहानियत के बारे में कहा है, एक जगह फरमाते हैं कि है घट में सूजत नहीं। पिता परमेश्वर है, कहाँ पर है? घट में, अंदर। सूजत नहीं, सूझ पर नहीं है। इंसान तो सोचता है शायद इस जगह पर पता परमेश्वर होगा या ये ईंटों दीवारों की जगह पर नहीं, यहाँ प्रभु है। तो फरमा रहे कि है घट में सूजत नहीं, लानत ऐसी जिंद, कि ऐसी जिंदगी जिसमें प्रभु हमारे अंदर है पर हमको सोचता ही नहीं, इसकी लानत है हम पर। हम अपने को बड़े इंटेलिजेंट अकलमंद सोचते हैं मेरा आई को 130 हो गया, 140 हो गया, 150 हो गया, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ। इंसान यही सोचता है कि उसको बहुत जानकारी चीज़ों की है। कहते ऐसी जिंदगी की लानत है, ऐसी जिंदगी जीना जिसमें पिता परमेश्वर हैं हमारे अंदर हैं लेकिन हमको उसकी सुध-बुध नहीं। कि है घट में सूजत नहीं, लानत ऐसी जिन, तुलसी या संसार को भयो मोतियाबिंद। वो कहते इस दुनिया में जो भी आता उसको मोतियाबिंद हो गया, उसकी नज़र के ऊपर पर्दा पड़ गया, असलियत उसको दिखती नहीं और उसी अंधेरी जिंदगी में वो जीता रहता। ज़्यादातर तो इंसान यही सोचते हैं कि सब कुछ इस दुनिया में है। वो यही समझते हैं कि जो कुछ पाना है वो यहाँ बाहर की दुनिया से मिलेगा। तो मन इंद्रियों के घाट पर जीते हुए हम इन इंद्रियों को तेज करने की कोशिश करते हैं। आईसेट भी हमारी अच्छी हो, अगर अच्छी नहीं तो चाहे हम ऑपरेट कराएं, चाहे ग्लासेस लगाएं, चाहे लेंसेज लगाएं। सुनना भी हम चाहते हैं सब कुछ अच्छा, से नहीं सुने तो मशीनें मिलती हैं उसको ठीक करने के लिए। तो इन इंद्रियों को हम तेज करने की कोशिश करते हैं क्योंकि सोचते हैं कि इनके जरिए हमारी जानकारी इस दुनिया की बढ़ेगी। लेकिन इस दुनिया में जीते हुए जानकारी इस दुनिया की नहीं, उस दुनिया की चाहिए। ये इंसान भूल जाता है। और वो दुनिया कहीं ऊपर नहीं, हम सबके भीतर है। कहा गया कि मैक्रोकॉस्म इज इन द माइक्रोकॉस्म, कि इस दुनिया में जीते हुए सब कुछ हमारे अंदर है। गुरु अर्जुन देव जी महाराज ने फरमाया कि सब कुछ घर में बाहर ना ही, बाहर टोले सो भरम बुलाई, के सब कुछ इंसान के अंदर है। हम बाहर की खोज करते रहते हैं, पता लगे वेदर भी कैसा है, ज्योग्राफी कैसी है, हिस्ट्री भी कैसी है, सोशली भी कहाँ पे क्या हो रहा है, उस सब की जानकारी चाहिए। और अंदर की दुनिया की कोई हमें जानकारी नहीं है। गुरु अर्जुन देव जी महाराज फरमाते हैं कि जो लोग बाहर की चीज़ों को ही ढूंढ रहे हैं, उनकी खोज सिर्फ बाहर की चीज़ों तक ही सीमित है, वो भ्रम की जिंदगी जी रहे हैं। क्योंकि जो माया की दुनिया, माया क्या है? देखने में कुछ और, असलियत में कुछ और। जो दिखता है वो है नहीं, जो है नहीं वो दिखता है। तो तुलसी साहब भी फरमा रहे हैं कि हम सबके आंखों के ऊपर मोतियाबिंद आ गया, कुछ दिख नहीं रहा, अंधेरा ही अंधेरा है। हम जिंदगी वो जिए जिसमें कि हम सच्चाई को देख सकें, उसे जान सकें, उसे पहचान सकें। और जब इस जिंदगी को हम जीते हैं तो इंसान जीता कैसे है?
हर एक को लगता है कि मेरे को ही सब कुछ मिल जाए, मैं ही सब कुछ पालूं, और रिश्ते नाते प्रेम मोहब्बत हम सबकी जिंदगी से दूर जाए जा रहा है। बार 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 संत महापुरुष यही समझाते हैं कि वो जीव जिन्होंने प्रेम किया वो ही पिता परमेश्वर को जानेंगे पहचानेंगे। हमें जिंदगी ऐसी जीनी है जिसमें कि हम प्रेम से प्यार से एक दूसरे के साथ मिलजुल कर जिए। लेकिन हम देखते हैं कि जिंदगी में ऐसे होता नहीं। क्यों नहीं होता? क्योंकि हर एक इंसान चाह रहा है कि मुझे मिले मुझे मिले मुझे मिले। और जब हम कहेंगे मुझे मिले मुझे मिले मुझे मिले, इसका मतलब किसी और से तो कुछ लिया जाएगा तभी हमें मिलेगा। और जब किसी और से कुछ लिया जाएगा और उनकी चीज हमें मिलेगी तो लड़ाई झगड़ा तो वैसे शुरू हो जाएगा, प्यार मोहब्बत वैसे कम होना शुरू हो जाएगा। तो महापुरुष बार बार समझाते हैं कि जहां पर प्रेम है वहां पर ही पिता परमेश्वर पाया जा सकता है। तो इंसान को एक अच्छा और सच्चा इंसान बनना जरूरी है। अच्छा इंसान वो है जो भलाई करता है, और सच्चा इंसान वो है जो प्रेम से जीता है और उसका ध्यान पिता परमेश्वर की ओर लगता है, जो सच्चाई की जानकारी को पाता है। बार 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 महापुरुषों ने समझाया कि प्रभु का जो मेन रूप है वो प्रेम का है। कई प्रभु को समझाने के लिए कैरेक्टरिस्टिक बताई गई हैं, पर जो प्रेम का रूप है उसके जरिए हम पिता परमेश्वर को पा सकते हैं। तो कबीर साहब ने फरमाया कि फरमाते प्रेम हरि को रूप है, त्यों हरि प्रेम स्वरूप। करें प्रेम ही प्रभु का रूप है और प्रभु ही प्रेम जैसे हैं। प्रभु और प्रेम में कोई फर्क नहीं, वही प्रेम के महासागर हैं, उनसे ही प्रेम उत्पन्न होता है। क्यों? क्योंकि हम सब उनके ही बने हुए हैं, हम सब उन्हीं की अंश हैं। इस करके पिता परमेश्वर हम सब से बहुत प्रेम करते हैं। एक माँ बाप अपने बच्चों से बहुत प्रेम करते हैं। वो तो जिंदगी की का मोड़ ऐसा है कि लगना शुरू हो जाता है, शायद बड़े लड़के को ज़्यादा कर रहे हैं, छोटे को कम कर रहे हैं, बहन को ज़्यादा कर रहे हैं, भाई को कम कर रहे हैं, ऐसा लगना शुरू हो जाता है। लेकिन पेरेंट्स की तरफ से प्रेम शुरू शुरू में सबके लिए बराबर होता है, बाद में कोई ऊंच नीच हो गई, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई तो फैमिली में लगना शुरू हो जाता है, ओहो पेरेंट्स इसको ज़्यादा करते हैं इसको कम करते हैं। मगर पिता परमेश्वर की नज़रों में हम सब एक ही हैं। तो कबीर साहब फरमाते प्रेम हरि को रूप है, त्यों हरि प्रेम स्वरूप। एक होए द्वे यूं लखे, कि हैं एक बार लग दो रहे हैं ज्यों सूरज और धूप। सूरज है और धूप है, सूरज है उसकी किरणें हैं, वो देखने में दो लगती हैं तो एक ही। अगर सूरज नहीं होगा तो धूप नहीं होगी, उसकी किरणें नहीं होंगी। सूरज है तभी धूप है। जब हम कहते हैं बड़ी धूप हो रही है तो सूरज का ख्याल नहीं करते, हमको लगता है दो चीजें हैं। लेकिन धूप तो तभी है जब सूर्य, अगर सूर्य नहीं है तो धूप के तो कोई चांस ही नहीं है होने का। तो दे आर वन एंड द सेम, एक ही हैं। तो कह रहे हैं प्रभु और प्रेम भी एक ही हैं। और जिसने वो अनुभव कर लिया उसने प्रभु को पा लिया। यही हर एक धर्म ग्रंथ हमें समझाता है कि पिता परमेश्वर अगर पाना है तो हमें उनसे प्रेम करना होगा, हमें प्रेम के रास्ते को इख्तियार करना है। और प्रभु जिनको बाहर की आंखों से हम देख नहीं सकते, जिनको बाहर के कानों से सुन नहीं सकते, प्रेम कैसे करें? जो मोतियाबिंद हमारी आंखों पर पड़ गया है उसको उतारें कैसे? कौन से डॉक्टर के पास जाएं जो कि अंदरूनी आंख के ऊपर जिस पर पर्दे पड़े हैं उसको हटा दें? तो संत दर्शन सिंह जी महाराज ने एक गजल जो उन्होंने अपने सदगुरु हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, संत
कृपाल सिंह जी महाराज की टीचिंग्स के ऊपर आधार करके लिखी। उसमें बड़े प्रेम से समझा रहे हैं कि हमें क्या चाहिए असलियत को जानने के लिए। वो फरमा रहे हैं कि चश्मे बिना हो तो कैदे हरम वो तूर नहीं। चश्मे बिना होता है कि अगर अंदर की आंख खुली हुई हो, अगर वो आंख खुली हुई हो जिससे कि इंसान रूहानी दुनिया में जा सकता है, कि चश्मे बिना हो तो कैदे हरम ओ तूर नहीं। हरम मस्जिद को कहते हैं। तो कहते हैं मस्जिद में खुदा कैद नहीं है, जिसकी अंदरूनी आंख खुली हुई है वो खुदा को हर जगह ढूंढ सकता है, पिता परमेश्वर को हर जगह पा सकता है। उसको जरूरी नहीं कि वो किसी खास जगह में जाकर पिता परमेश्वर को पाएगा। तो जो कैदे हरम वो तूर है, जो वर्ड तूर है, वो जो हजरत मूसा थे वो तूर में जाकर उन्होंने अपनी तपस्या की थी। तो समझा रहे हैं कि चश्मे बिना हो तो कैदे हरम ओ तूर नहीं, देखने वाली निगाह से वो मस्तूर नहीं। मस्तूर का मतलब होता है छिपा हुआ नहीं है, कि जिसकी निगाह देखने वाली हो, जो असलियत को देख सकता है, जो सच्चाई को देख सकता है, जिसकी अंदरूनी आंख खुल गई, उससे पिता परमेश्वर छुपे हुए नहीं है। उसको किसी खास जगह में जाने की जरूरत नहीं, कोई ऐसी जगह नहीं जहां पे प्रभु कैद हैं। जिसकी अंदरूनी आंख खुल गई वो पिता परमेश्वर को हर जगह ढूंढ सकता है, हर जगह पा सकता है, हर जगह उनके अंग संग हो सकता है, क्योंकि पिता परमेश्वर हमसे दूर नहीं, हमारे भीतर ही हैं। एक जगह और संदर्शन सिंह जी महाराज ने ऐसे फरमाया कि मिलेगा रूह को परवाज दे के देख जरा, करीब है, उसे आवाज दे के देख जरा, कि पिता परमेश्वर आपको जरूर मिलेंगे। करना क्या, रूह को उड़ान देनी है, अंदर की दुनिया में बढ़ना है, अपने आप को जानना है कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। उस आत्मा को फिर उड़ान देनी है, आत्मिक अनुभव करना है, रूहानी रास्ते पर चलना है। चलेंगे तो हम देखेंगे प्रभु हमारे भीतर हैं, हमसे दूर नहीं, हमारे बहुत ही नजदीक हैं। हमारे अंदर है, उससे नजदीक तो और कोई हो नहीं सकता। जो चीज हमारे अंदर है उससे नजदीक हमारे पास कोई भी नहीं हो सकता। तो पिता परमेश्वर हमारे पास हैं, लेकिन उनको देखने के लिए हमारी अंदरूनी नजर खुलनी चाहिए। यही संत महापुरुष नामदान के समय हमारे लिए करते हैं। जैसे मोतियाबिंद के ऑपरेशन के लिए आप जाते हो किसी आई डॉक्टर के पास, तो अंदरूनी आंख से पर्दा हटे उसके लिए इंसान नाम की देन लेता है। बहुत बार पूछते हैं नामदान क्यों लेता है इंसान, ताकि वो पर्दे जो हमारी अंदरूनी आंख और अंदरूनी कान के ऊपर पड़े हुए हैं वो हटें, हम प्रभु की ज्योति के दर्शन कर सकें, उनके शब्द को सुन सकें, उनके दर्शन करें, ध्वनि को सुने, ताकि शब्द के जरिए हम अंदर की दुनिया में उड़ान करें। और हर एक कदम अंदर की दुनिया में प्रेम से भरपूर है और खूबसूरती से भरपूर है। तो अंदर की यात्रा प्रेम की यात्रा है, और अंदर की यात्रा पर हम सब जा सकते हैं।